नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहा की पाकशाला में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिर्ची के अचार की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। इस अचार को हम बिना तेल के बनाएंगे, ये फटाफट से बन जाएगा और आप इसको तुरंत खाना भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमें अचार के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करना है। तो ये लिए है मैंने मसाले, मेथी अजवाइन को मिक्स करके लिया है मैंने, ये है टोटल 1 टीस्पून, 2 चम्मच मोटी वाली सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच पीली वाली सरसों। आप चाहें तो ब्लैक मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं ना, ब्लैक वाली सरसों होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे मसालों को हमें मीडियम लो फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेना है। मसालों को भून लेने से इनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, अचार जल्दी खराब नहीं होता है और मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अचार में। मसाले भुन गए हैं अच्छे से, इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है इसमें से। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है और मसालों को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हमें ले लेना है एक मिक्सर जार और ये जो मसाले हैं ये ठंडे हो गए हैं तो इनको मिक्सर जार में डाल देंगे। अब इनको हमें दरदरा पीस लेना है। तो मसालों को हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया। अब इसी में हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे कलौंजी। इन सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये हमारा अचार में डालने के लिए मसाला तैयार हो गया है, इसको अभी हम अलग रख देते हैं। यहाँ पर ये मैंने 400 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्च ली है। इस तरीके की एकदम फ्रेश मिर्चियाँ लेनी है आपको अचार के लिए। इनको मैंने अच्छे से धो करके साफ सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। तो अभी इनको हमें इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ये अचार बहुत ही कम मेहनत में बन जाता है, खाने में बड़ा ही मजेदार लगता है। मिर्ची को काटने के बाद ये जो डंठल है ना इसका, इसको हमें अलग कर देना है। इसी तरीके से हम सारी मिर्चियाँ पहले कट कर लेंगे। तो सारी मिर्चियों को हमने इस तरीके से देखिए कट कर लिया है। ये जो मिर्चियाँ हमने कट की है इन सबको हमें डाल देना है पैन में। साथ ही में इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक से मिर्चियां बहुत ही जल्दी से पक जाएंगी। अब गैस को ऑन करके रखना है मीडियम लो और मीडियम लो फ्लेम पर हमें मिर्चियों को इस तरह से चलाते हुए बिना ऑयल के ही पकाना है। जो नमक हमने इसमें डाला है ना उससे पानी रिलीज होगा और उसी की वजह से मिर्चियां जो है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेंगी। और ये जो मिर्चियां हैं इनको हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, इनको हमें हल्का सा क्रंची रखना है। नमक की वजह से अभी आप देख सकते हैं कि इसमें पानी रिलीज होने लगा है, तो इसी से ये जो मिर्चियां हैं ना ये सॉफ्ट हो जाएंगी। अभी मिर्चियां जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो अभी हमें गैस को कर देना है एकदम लो और जो मसाला हमने अचार के लिए तैयार किया था ना वो पूरा डाल देंगे इसमें। मसाले को मिर्चियों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मसाला जो है उसको हमने मिर्चियों में अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है। ये लिया है मैंने 5 नींबू का रस, ये डाल देंगे इसमें। नींबू का जो रस है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और अचार में बहुत ही बढ़िया खटास भी आ जाएगी। नींबू के रस को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें। तो अभी ये जो हमारा अचार है ये काफी ज्यादा गर्म है, तो इसको अभी हमें बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है। तो अचार हमारा हो गया है बिल्कुल ठंडा और जितना भी हमने नींबू का रस इसमें डाला था वो इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है और जो मसाले हैं वो भी बढ़िया से फूल गए हैं। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया एकदम मजेदार सा बिना तेल का हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बन करके हो गया है रेडी। आप इसको पूरी पराठों के साथ खाएं, दाल चावल के साथ आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है ये खाने में और आप इसको फ्रिज में रख करके आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए इस सिंपल और टेस्टी बिना तेल के हरी मिर्च के इंस्टेंट अचार की रेसिपी को। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।